गवर्नर ने गवर्नर हाउस खाली कर दिया, सिक्योरिटी एहलकार भी 100 से ऊपर। गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पर 111 सिक्योरिटी एहलकार तायुनात, दो रिहायश गाह पर 109 गवर्नर हाउस में। वजीर आला के घर सिर्फ 4 तायुनात, स्पीकर पंजाब असम्बली के घर 1, मुतअद्दिद वफाकी और सूबाई वज़रा के घरों पर 2-2 एहलकार तायुनात। ऐवान में VIP सिक्योरिटी के बारे रिपोर्ट पेश कर दी गई। मेट्रो रूट पर बस मेट्रो ही चलेगी, हुकूमत का मेट्रो के रूट के मुतवाजी तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला। मुतवाजी रूट्स पर चलने वाली बसों को दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाए। उबर और करीम की गाड़ियों पर टैक्सी लोगो लगाया जाए, CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को खत। उबर और करीम पर चलने वाली गाड़ियों के फ्रंट और बैक पर टैक्सी लोगो आवेजा करवाया जाए। पंजाब पुलिस के 67 DSP और इंस्पेक्टर्स ने सीनियोरिटी लिस्ट पर एतराज उठा दिया। कायम मकाम IG ने इन DSPs और इंस्पेक्टर्स को IG ऑफिस में बुला लिया। मरासले की कॉपी CCPO लाहौर समेत तमाम अफसरान को भिजवा दी गई। स्पीडो बस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, स्पीडो बस सर्विस में अब नकद किराया भी अदा किया जा सकेगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने स्पीडो बस सर्विस में नकद किराया अदा करने की सहूलत दे दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब भर में अफसरान को खुली कचहरी लगाने का हुक्म। DPO और DC मुश्तरका खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुनेंगे। जुम्मे के रोज 10 से 12 तक खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। मरासला जारी। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए। मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। मीडिया को इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए, मीडिया को तमीज करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान सहाफी के सवाल पर सीखपा हो गए, गुस्से में सवाल का जवाब दिए बगैर गाड़ी की जानिब चल पड़े। नाराज सहाफियों का चौहान की गाड़ी का घेराव करके एहतजाज। फयाज चौहान की तरबियत में कमी रह गई है, सहाफियों से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं PP रहनुमा हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। चार थानों के इंचार्जों के तबादले, DIG इन्वेस्टिगेशन ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। शेख काशिफ को अकबरी गेट, सगीर मैतला को गुलशन इकबाल, हसन रजा को गुलबर्ग और हाकिम रिजवान को बाटापुर में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के अहदों पर तायुनात कर दिया गया। 4 लाख बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया, पेफ पार्टनर स्कूलों को मुआवजे की अदायगियां रुक गईं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 1 फरवरी से सुबह भर में एहतजाज का ऐलान। सदर एप्सा मियां शब्बीर हाशमी कहते हैं पेफ स्कूलों को हर माह की 10 तारीख तक अदायगियां यकीनी बनाई जाएं, पैसे ना मिलने पर तालीमी निजाम ठप हो जाएगा। मजदूरों का हर 6 माह बाद तिबी मुआयना करवाना लाजिम व मलजूम होगा। मुआयना करवाने के तमाम अखराजात मालिक या इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। किसी फैक्ट्री में मशीनों की तब्दीली की भी इजाजत लेना होगी। तहफ्फुज़ न करने वाले फैक्ट्री मालिक को कैद और जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत का वर्कर्स तहफ्फुज़ और सेहत की बेहतरी के लिए एक्ट बनाने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली के इजलास में जल्द पेश किए जाने का इम्कान। शेल्टर्स होम्स मंसूबे में तीसरी बार तब्दीली, लागत 29 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ तक पहुंची। रेलवे स्टेशन और दाता दरबार पर शेल्टर होम्स 1 के बजाय 2 किनाल पर तामीर किए जाएंगे। कोट लखपत जेल में मरियम नवाज की अपने वालिद से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए खाना और ड्राई फ्रूट भी लाई। नवाज शरीफ का मौसम के बायस थोड़ा सा गला खराब, मामूल का चेकअप, तिबी इमदाद दी गई। जेल हुक्काम नवाज शरीफ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई, जेलें महफूज हैं। कैदी कैदी होता है चाहे वो जिस भी जुर्म में आया हो। शहबाज शरीफ जब आएंगे तब देखेंगे इन्हें कहां रखना है। सुबाई वजीर जेल खानाजात, जवार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। IG जेल खानाजात के दफ्तर में कैदियों में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई।
पंजाब असेंबली में शहर के मास्टर प्लान में तब्दीली की गूंज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। लीगी रहनुमा शेख अलाउद्दीन कहते हैं शहर की हदूद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। लाहौर के मास्टर प्लान का ताला आजमाओं ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। वजीर कानून राजा बिशारत बोले माजी में इदारों को घर की लौंडी बनाकर रखा गया, सरकारी जमीनों की बंदर बांट की गई, शहर की असल शक्ल में बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन मंसूबा, खजाने पर बोझ, 10 अरब रुपए सिर्फ महाना अखराजात के लिए दरकार, हुकूमत 120 अरब रुपए सालाना के बोझ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान एक मरतबा फिर मंसूबे के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं खाली खजाने के साथ ऐसे चोंचलों को कैसे चलाया जा सकता है, शाहाना फैसले करने वालों ने पंजाब के आवाम के साथ जुल्म किया, मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं, कम से कम नुकसान की कोशिश है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अरबों रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले शेख जफर इकबाल, फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस के मालिक हैं, आमदन से जायद असासा जात कैसे बने, लैब ने पूछगिछ शुरू कर दी, जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया गया। हुस्न संवारने वालों के नाम पर हुस्न बिगाड़ने वालों की शामत आ गई, पाकिस्तान स्टैंडर्डाइज एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की खसूसी टास्क फोर्स तश्कील, स्टोरों पर गैर मयारी क्रीमें और कॉस्मेटिक्स की छानबीन शुरू, गैर मयारी कॉस्मेटिक्स का सामान जब्त और स्टोर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का मिशन, लाहौर न्यूज की निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियां शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ, शादरा, एबट रोड और गुलशन रावी से गंदगी के ढेरों का सफाया, अरसा से जमी धूल धो दी गई, सड़क चमचम करके उठी, एमडी एमडब्ल्यूएमसी फारूक कयूम का रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे, अगर गंदगी और तहफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर 03444450192। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। महंगी एलपीजी, बिजली की आंख मचोली, गैस की भी लोड शेयरिंग, सुई गैस की लोड शेयरिंग से शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया, लिटन रोड के मकीनों का सबर जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए, सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, गैस दो के नारे। महंगाई लोड शेडिंग से परेशान आवाम की पहुंच से टमाटर भी बाहर, शहरी लाल टमाटर की कीमत सुनकर लाल पीले होने लगे, टमाटर की सरकारी कीमत 25 से 30 रुपए प्रति किलो, 60 रुपए में फरोख्त होने लगा, महंगाई से परेशान आवाम चकरा गए। टमाटर ने तो हद ही मुका दिया, अभी भी हमने लिए और बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर, जो है वो 60 रुपए हो गए, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सारी तकरीबन सब्जियां महंगी हो गई है, 30 रुपए किलो से अब 60 रुपए हो गए हैं, तो अब हर हांडी में डालना है, हर चीज में डालना है, तो अब आम किधर जाए। गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस रा एजाज के बाद एक और डीपीओ नैब के शिकंजे में आ गया, नैब लाहौर ने साबिक डीपीओ गुजरात कामरान मुमताज को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम पर पुलिस फंड्स में मजमुई तौर पर 55 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द का इल्जाम है, तर्जमान नैब लाहौर। मीटर रीडर्स के तमाम मुतालबे जल्द पूरे किए जाएंगे, नए मोबाइल फोन्स इसी माह फराम किए जाएंगे, लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा का लेबर हॉल में मीटर रीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद बोले महकमा बिजली का मुलाजिम अपनी जान खतरे में डालकर काम करता है, हुकूमत लेस्को मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। और अदाकार सुल्तान राही की 23वीं बरसी, लॉलीवुड इंडस्ट्री की शान, 41 बरस तक पंजाबी और उर्दू फिल्मों की कामयाबी समझने वाले, 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले वर्सटाइल अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए।